तो आज जो मैं टॉपिक ले रही हूँ वो है कैश फ्लो का, और मैक्सिमम इस पॉइंट को पूछा जाता है एग्ज़ाम में, इसलिए मैंने ये टॉपिक उठाया है। तो जैसे इस क्वेश्चन में मैंने एक एग्जांपल ली है, लाइक टेंजिबल एसेट्स गिवन है हमें बैलेंस शीट में 2012-13 और 13-14 टू ईयर्स हैं, एक प्रीवियस ईयर है और एक करंट ईयर है जैसे आपको पता है। तो 10 लाख रुपीज़ ओपनिंग है हमारी मशीनरी की वैल्यू, और 12,70,000 हमारी क्लोजिंग फिगर है, ठीक है। और इसके ऊपर जो डेप्रिसिएशन लगाई है टिल लास्ट डेट वो है, पहले 1,50,000 थी जब ओपनिंग था, तब तक उसके ऊपर 1,50,000 रुपीज़ लगे हुए थे डेप्रिसिएशन के, इसलिए उसकी जो फिगर आ रही थी बुक वैल्यू वो आ रही थी 8,50,000। तो बुक वैल्यू क्या होती है, जब कॉस्ट में से आप एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन होती है कि सम ऑफ डेप्रिसिएशन टिल द एंड ऑफ द पीरियड, कि अब तक आपका जो डेप्रिसिएशन कितनी लगी है जब से आपने परचेज किया है उस एसेट को, तो अब तक उसके ऊपर 1.5 लाख रुपये डेप्रिसिएशन लगी है, तो वो 8,50,000 का है। अब जब एट दी क्लोजिंग आ गई, उस टाइम के ऊपर मशीनरी हमारी 12,70,000 की थी, मे बी हमने कुछ परचेज किया हो मशीनरी को, उसके ऊपर डेप्रिसिएशन टोटल मिला के 2 लाख रुपीज़ लगी है, तो अब उसकी वैल्यू जो बन रही है 10,70,000। सो दिस इज़ द बुक वैल्यू, जब कॉस्ट में से हम डेप्रिसिएशन लेस करते हैं तो हमारे पास आती है बुक वैल्यू। अभी इसके रिगार्डिंग एडजस्टमेंट गिवन है, लाइक मैंने एक एडजस्टमेंट ली है कि ड्यूरिंग द ईयर अ पीस ऑफ मशीनरी वा कॉस्टिंग ₹24,000। तो साल के बीच में क्या हुआ कि 24,000 की मशीनरी थी, और उसके ऊपर अभी तक जो एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन थी वो अभी तक 16,000 लगी थी। तो 24,000 की मशीनरी जब बिगनिंग में ली थी, अब उसके ऊपर अब तक 16,000 की डेप्रिसिएशन लगने के बाद वो कितने की बच गई, बुक वैल्यू रिटर्न डाउन वैल्यू कितनी आ गई 8,000। उसको हमने कितने का सेल किया, 6,000 का। अभी इससे तो हमें क्लियर हो गया कि 2,000 हमारा लॉस आया, ठीक है। अब लॉस आपको पता है कहाँ पड़ता है, ऑपरेटिंग में। अभी हमें दो अकाउंट बनाने पड़ेंगे, एक फिक्स्ड एसेट अकाउंट और एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट। ये मैंने इसलिए पॉइंट लिया है क्योंकि बच्चे सबसे ज़्यादा इसमें कन्फ्यूज होते हैं, और 95% ये पॉइंट पूछा जाता है एग्जाम में, ठीक है। तो सबसे पहले हम बनाएंगे एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट। देखो, क्योंकि डेप्रिसिएशन जो है, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन मीन्स प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन होगी एक टाइप से, तो ये प्रोविजन जो होती हैं इनका हमेशा क्रेडिट बैलेंस होता है, तो ओपनिंग फिगर इसका हमेशा आएगा बाय साइड, क्रेडिट साइड के ऊपर, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। तो ओपनिंग हमारी कितनी है, डेप्रिसिएशन ओपनिंग फिगर इज 1,50,000, और जो क्लोजिंग अमाउंट है वो डेबिट साइड के ऊपर लिखेंगे, टू बैलेंस कैरी डाउन, तो ये एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन है 2 लाख। अभी जो हमें एडजस्टमेंट में गिवन है कि इस जो पीस ऑफ मशीनरी हमने सेल किया है उसके ऊपर टिल डेट हमने 16,000 डेप्रिसिएशन लगा दी है, तो 16,000 की जो डेप्रिसिएशन है वो यहाँ पे लिखेंगे टू मशीनरी। जो सेल करते हैं एसेट उसकी जो डेप्रिसिएशन होती है वो यहाँ पे लिखते हैं, तो ये था हमारी 16,000 की डेप्रिसिएशन। अभी टोटल करें 2,16,000 और ये है 1,50,000, तो 56,000, जो 66,000 जो हमारे पास आया है बैलेंसिंग फिगर वो क्या है, उसको हम लिखेंगे बाय प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट, ये बैलेंसिंग फिगर है। तो ये बैलेंसिंग फिगर कहाँ यूज होना है, ये बैलेंसिंग फिगर यूज होगा हमारे ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में, नॉन कैश आइटम्स में। एड कर दिया जाएगा, दोबारा एक बार फिर से रिपीट कर रही हूं, सबसे पहले ओपनिंग बैलेंस ऑफ एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, देन क्लोजिंग बैलेंस ऑफ एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, देन एसेट सोल्ड के ऊपर जो डेप्रिसिएशन लगी है टिल डेट तक वो, तो जो हमारा बैलेंसिंग फिगर आएगा वो आ जाएगा हमारा वो फिगर जो कि हमने ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में नॉन कैश आइटम्स के अंदर ऐड करना होता है। वहाँ पे हम लिखते हैं ना, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स आने के बाद हम ऐड करते हैं नॉन कैश आइटम्स टू बी एडिड, उसमें हम लिखते हैं डेप्रिसिएशन रिटर्न ऑफ।
तो ये अमाउंट जो है ये ऐड किया जाएगा 66,000 का ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में. क्लियर. नेक्स्ट है, अभी हम बनाएंगे फिक्स्ड एसेट अकाउंट. अब फिक्स्ड एसेट अकाउंट की हमें क्यों जरूरत पड़ती है? फिक्स्ड एसेट अकाउंट की हमें इसलिए जरूरत पड़ती है क्योंकि इससे एक तो हमें सेल का पता चलता है और परचेज का पता चलता है. वो दोनों चीज़ें हमारी इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ में यूज़ होती हैं. दूसरी बात, हमें लॉस या प्रॉफिट का भी पता चलता है. जैसे मैंने शुरू में बताया कि 24,000 के ऊपर अगर 16,000 डेप्रिसिएशन लग गई तो वो तो सिर्फ 8,000 का बना, तो उसको हमने सेल कर दिया 6,000 में, इट मीन्स लॉस के ऊपर किया है, 2,000 लॉस हो गया. तो अभी फिक्स्ड एसेट अकाउंट बनाना कैसे है, मैं इसका परफॉर्मा पहले आपको आपसे डिस्कस करती हूँ. क्योंकि एसेट है, एसेट का हमेशा डेबिट बैलेंस होता है, तो हम लिखेंगे टू बैलेंस ब्रॉट डाउन. टू बैलेंस ब्रॉट डाउन कितना है हमारा? 10 लाख. तो हमने ये बैलेंस लेना है, ये वाला बैलेंस नहीं लेना. ओके, देन बाय बैलेंस कैरी डाउन दैट इज 12,70,000. ओके, अभी नेक्स्ट जो है डेप्रिसिएशन, हमें पता है डेप्रिसिएशन कितनी बनाई गई है. डेप्रिसिएशन जो सोल्ड की है, ठीक है, एसेट सोल्ड के ऊपर डेप्रिसिएशन अभी तक लगी है 16,000. तो मैं 16,000 की डेप्रिसिएशन यहाँ पे लगा दूंगी सोल्ड के ऊपर जो लगी है. ओके, अभी इसको सेल कितने का किया है? बाय बैंक अकाउंट. इसमें क्या लिखेंगे? जो एसेट सोल्ड किया है दैट इज 6,000. क्लियर. तो इसके ऊपर हमने बताया कि लॉस होगा, बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट लिखेंगे लॉस दैट इज 2,000. जैसे मैंने बताया कि 24,000 की चीज थी, 16,000 डेप्रिसिएशन लगने के बाद वो बन गई 8,000 की, 6,000 की बेच दी है तो 2,000 हमारा लॉस आ गया. अभी अगर हमें प्रॉफिट होता तो मैं यहाँ पे लिखती टू प्रॉफिट एंड लॉस प्रॉफिट, बट वो तो हमें हुआ ही नहीं है, हमें तो लॉस हुआ है, तो इसलिए ये अमाउंट हमारे पास कुछ भी नहीं आएगा, तो इसको मैं रब कर देती हूँ. इसके बाद है, अब हम टोटल करते हैं. जब मैं टोटल करती हूँ तो ये बन रहा है 12,70 प्लस 12,78 प्लस 16, ये बन गया 12,94,000. उसमें से 10 लाख माइनस कर दो, कितना आ गया? 2,94,000. अब ये किस चीज़ का फिगर है? ये अमाउंट होगा टू बैंक परचेज का, टू बैंक परचेज का. ये जो परचेज आएगी, ये जो बैलेंसिंग फिगर है, इसको हम कहाँ यूज़ करेंगे? इन्वेस्टिंग में. ये इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ में जाएगी. और ये जो सेल है ये कहाँ जाएगी? ये भी इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में जाएगी. ये प्लस हो जाएगी एक्टिविटीज में और ये माइनस हो जाएगी. क्यों? क्योंकि परचेज के ऊपर कैश हमारा आउटफ्लो होता है और सेल के ऊपर कैश फ्लो हमारा इनफ्लो होता है, इसलिए ये प्लस हो जाएगा और ये इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में माइनस हो जाएगा. और जो यहाँ पे हमारी डेप्रिसिएशन निकली है, प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट जो बैलेंसिंग फिगर आया था एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन में, उसको हम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ में ऐड कर देंगे. और ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ में ये अमाउंट भी जाएगा लॉस का, ये भी हमारा लॉस का अमाउंट जो है ये भी ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ में ऐड होगा, क्योंकि हम उसमें नॉन कैश आइटम्स में लिखते हैं लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स, तो वो भी ऐड हो जाता है. तो ये ट्रीटमेंट है हमारा एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का और फिक्स्ड एसेट का. तो इस टाइप से ये अकाउंट बनते हैं और इन अकाउंट को बनाना अच्छी तरह आना चाहिए, क्योंकि यही एडजस्टमेंट मैक्सिमम पूछी जाती है बोर्ड के एग्जाम में. ओके, आई होप आप सभी को समझ आ गया होगा. थैंक यू.